ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के अणु से बड़ू संपर्क मार्ग पर सफर करना दुर्घटना को न्योता दे रहा है और अणु सड़क से आने पर वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले राहगीरों को हर वक्त हादसा होने का अंदेशा बन रहा है। करीब 6 किलोमीटर के संपर्क मार्ग पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं तो कई जगहों पर तो बीच सड़क पर सरिये भी निकले हुए हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कतें बन रही हैं। कई बार विभाग से भी सड़क को दुरुस्त करने की गुहार लगाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जिलाधीश हरिकेश मीणा से मांग की है कि संपर्क मार्ग की हालत को जल्द सुधारा जाए। हमीरपुर के अणु से बड़ू संपर्क मार्ग पर सफर करना दुर्घटना को न्योता दे रहा है और अणु सड़क से आने पर वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले राहगीरों को भी हर वक्त हादसा होने का अंदेशा बन रहा है। पर कई जगहों पर तो सरिये भी निकले हुए हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कतें बन रही हैं। बरसात के दिनों में तो इस मार्ग पर जाना मतलब जान जोखिम में डालना बन रहा है, क्योंकि हर जगह पर गड्ढे पड़े होने से हर वक्त दिक्कत बन जाती है। हालांकि स्थानीय अणुकला बल के बाशिंदों ने कई बार PWD विभाग को समस्या के बारे में अवगत करवाया है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी PWD विभाग खानापूर्ति के लिए केवल मात्र मिट्टी से गड्ढों को भर देती है, जो कि जरा सी बारिश होने पर भी दोबारा वैसी स्थिति बन जाती है। आजकल बरसात के दिनों में सड़क पर आवाजाही करना मुश्किलों से भरा पड़ा है। इस संपर्क मार्ग से अणुकला बल घनाल मोहिंग रोपा के सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन सड़क की हालत को लेकर लोगों में भी गहरा रोष है। स्थानीय लोगों रमेश चंद, सुनील दीवान, रवि कुमार, सतीश आर्यन, नवजीत सिंह, आशीष, अशोक कुमार इत्यादि का कहना है कि बड़ू से अणु संपर्क मार्ग की हालत खराब होने पर छोटे और बड़े वाहन का गुजरना मुसीबतों से भरा बना है, इसलिए अक्सर लोग इस सड़क से जाने से किनारा ही करते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार विभाग से भी सड़क को दुरुस्त करने की गुहार लगाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जिलाधीश हरिकेश मीणा से मांग की है कि संपर्क मार्ग की हालत को जल्द से जल्द सुधारा जाए। कॉलेज से लेकर प्रधानमंत्री सड़क योजना में आज से 15-16 साल पहले बनी थी और ये बड़ू तक जाती है, 6 किलोमीटर का पैच है ये, ठीक है। ये सड़क बार बार उखड़ जाती है और आपने देखा होगा कि इस वक्त सड़क की इतनी हालत ख़राब है कि वहाँ आदमी पैदल नहीं चल सकता है। तो PWD महकमे को कई बार जो है वो विधायक महोदय ने भी बोला है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और PWD महकमा जो है इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उनको मैंने ये मामला कई बार उठाया उनके समझ से, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। हमारे गांव में 2 महीने पहले जनमंच कार्यक्रम हुआ था, जिसमें विधायक महोदय आए थे और उन्होंने कहा था कि वहाँ एक JEE भी आई थी, एक लड़की, और उनको आदेश दिए थे कि तुरंत इस सड़क की रिपेयर करें, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यहाँ ये जो आपने टूटे हुए पैचेस देखे हैं, इनमें जो है वो टाइलें लगनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बार बार सड़क टूट जाती है, लोगों को परेशानी होती है। गाँव जो है सारा मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में ये मुद्दा लाएगा, DC साहब से भी बात होगी, क्योंकि PWD जो है वो को संवेदनशील होना चाहिए। बरसात में सड़कें टूट जाती हैं और कम से कम उनको जो है तुरंत जो है रिपेयर करवाया जाए। हमने गर्मियों में ये बात की थी 2 महीने पहले कि इसको रिपेयर कराया जाए, लेकिन तब भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और बरसात में ये सड़क बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। मैं PWD से निवेदन करूँगा कि इस सड़क को तुरंत से तुरंत इसकी मरम्मत करें। देखो खड्डे पड़े हैं, जगह जगह खड्डे पड़े हैं, ठीक है। मैं इस पंचायत का एक्स उप प्रधान हूँ और सड़क की हालत तो बहुत ही गंदी हो चुकी है, बन सकते हैं ये तो घोषणा है, घोषणा है, बाकी आदर्श गांव कैसे बनेगा। सड़क की हालत देख लो, क्या क्या हाल है, कैसे खड्डे पड़े हैं, ऊपर से कॉलेज से लेकर नीचे तक देख लो, खड्ड बनी हुई है पूरी। तो इसमें जो ये सड़क है ये बहुत खराब है, बहुत बुरा हाल है इस रोड का।